मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारी सिस्टर बहन जो भी हैं, वो सभी लोग को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये होता है संतान का व्रत होता है जो है, तो यही इसमें मघा में पड़ा करता है। तो बस जस्ट अभी मैं सुबह से अभी खाना पीना में जुटी हूँ, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं, ये देखिए, आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ पक रही है चाय, तो ये हमारा छोटा वाला बेटा पिएगा। और यहाँ मेरी सुबह सुबह बन गई है भाजी, तो मेरे हस्बैंड खा करके चले गए हैं, तो मैंने कहा बच्चे ये नहीं खाएंगे, तो बच्चों के लिए मैं ये आलू टमाटर और मटर की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आजकल अच्छा भी लगता है। और मेरा छोटा वाला बेटा कई दिनों से कह रहा था मम्मी आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि ये हमारे हस्बैंड भाजी लाए थे, तो मैंने कहा बच्चे तो ये सब खाएंगे नहीं, तो मैं बच्चों के लिए आलू टमाटर मटर की सब्जी बना देती हूँ। और कल मैं ले आई थी, मार्केट गई थी, तो कढ़ाई पनीर लाई थी बच्चों के लिए, तो कढ़ाई पनीर सच में ना बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस, तो बच्चे शाम को रात में खा लिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आलू टमाटर सब्जी बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ, तो बच्चे लोग अपना यही खा लेंगे। और अभी मुझे तिल धोना है, धूप हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ पहले इन लोगों को खाना बना के खिला दो, उसके बाद मैं तिल उल धो के छत में डाल दूँगी। और हमारे तरफ ना बंदर इतना परेशान करते हैं कि ताकना पड़ेगा वहाँ पर, यदि मैं डाल दूँगी ना तो बंदर सारा जूठा कर देंगे जो है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाना इन्हें बना खिला दूँ, उसके बाद ही छत में जाऊँ, ताकि उसको देखती रहूँ। और मेरे हस्बैंड चले गए अपना ड्यूटी, तो बस मैंने कहा चलो भैया, हमारा कुकर, ये हमने कुकर में पका रही हूँ तो जल्दी पकेगा, और उसमें पकाते तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा करता, तो कुकर में ही बना रही हूँ। और कुकर में भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, बनती है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि कुकर में सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, कुकर में भी सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे पक रही है मेरे बेटे की चाय, और यह रूम हीटर चल रहा है, रूम हीटर को मैं करती हूँ बंद। और यहाँ पर ये देखिए, आज धूप काफ़ी अच्छी हो रखी है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे धूप हो रखी है। और कल से थोड़ी सी हल्की ठंडी कम है, इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी कम है। और यहाँ ये देखिए हमारे कपड़े रखे हैं, ये पायदान, कल हमारे यहाँ जो है गेस्ट आई थी, वो मेरी फ्रेंड भी है, बहन भी है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसमें दूध कल गिर गया था, तो इसको मुझे अभी वॉशिंग मशीन में धोना है। और अभी सारे कपड़े कल के धुले, अभी ये देखिए कुर्सी में भी रखा है, अभी सारे इसको फोल्ड करके मुझे रखना है। सच में एक अकेले जान के लिए बहुत काम हो जाता है। और यहाँ पर रखी है हमारी शकरकंद, तो अभी इसको मुझे उबालना है, अभी मैं सबको बना खिला दूँगी, क्योंकि जूठा छूना अच्छा नहीं है ना, फिर जूठ मीठ हो जाता है जो है। और मैं ले आई हूँ आज शाम के पहनने के लिए, एक सूट लाई हूँ, और देखते हैं क्या पहनते हैं। और अभी मुझे कमरे में भी झाड़ू पोछा करना है, अभी सब ऐसे ही पड़ा है, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो आज मैं थक गई हूँ, पता नहीं क्यों, सुबह सुबह चाय पीने की आदत है ना, आज चाय नहीं पी हो ना, तो अजीब सा पता नहीं कैसे लग रहा है। ये होता है ना, एक दिन चाय ना पियो तो ऐसी नशा होता है चाय का, यदि चाय ना मिले ना पूरा दिन खराब चला जाता है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कुछ ही झंपू जैसे लगता है, नहीं मिला है जल्दी से, लगता है कोई दे दे बना के पी ले, पर अभी नहाए धोए नहीं है ना इस वजह से। तो चलिए, आप लोग भी, हमारी जितने सिस्टरें हैं जो जो रहती होंगी, वो लोग भी अपना भाई आज पूजा पाठ कीजिए अच्छे से, और सभी को गणेश भगवान आशीर्वाद दे, सभी के पुत्रों की आयु लंबी हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े जिंदगी में, है ना। चलिए ठीक है, रखते हैं, अभी बहुत काम करना है, अभी नहाना है, तिल धोना है, सब काम अभी पड़े हैं पेंडिंग में। बाय, बाद में मिलते हैं आप लोगों से।
कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहिए, घर में मस्त रहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और आज है गणेश चतुर्थी, तो मैं मॉर्निंग में सभी को विश कर चुकी हूँ गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो है आप लोग सभी लोग पूजा करो जो है, तो ये भी व्रत करवा चौथ की तरह ही होता है। जैसे करवा चौथ में ना चांद देख के व्रत को खोला जाता है, उसी तरीके से ये भी व्रत होता है। तो बस अभी मैं जस्ट आ गई हूँ किचन में और मैंने किचन के यहाँ सब साफ सुथरा कर दिया है जहाँ पे मुझे बनाना है। और इधर तो हमारे खाने रखे हैं, क्या है, श्रद्धा से भक्ति होती है, बहुत ज़्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये जो है, एक मिनट मैं लगा देती हूँ पहला मोबाइल अपना, उसके बाद मैं आपसे फिर बात करती हूँ। तो ऐसे लगा देती हूँ मोबाइल, और मेरा ट्राईपॉड ना छोटा वाला जो है, जो किचन में लगाती थी ना, वो टूट गया है और मोबाइल मेरा थोड़ा साफ़ नहीं है। एक मिनट मैं कैमरा साफ़ कर लेती हूँ। तो साफ़ हो गया है, इसमें ना मैं मोबाइल से ही ब्लॉग अपने बनाती हूँ ना, तो कहीं किचन में रखा रहता है, कहीं कहीं रखा रहता है, तो क्या होता है ना, गंदा हो जाता है जो है, कभी कभी तो गिर भी जाता है मोबाइल। कई बार गिर चुका है मेरा मोबाइल। तो यहाँ पर मैंने कढ़ैया चढ़ा दिया है और जा रही हूँ पहले मूंगफली भूजूंगी। और मेरा यहाँ पर देख रहे हैं शकरकंद हमने उबाल दी है एक तरफ, ये शकरकंद है तो इसको मैंने उबाल दिया है। और अभी जा रही हूँ मैं मूंगफली भूजूंगी जो है। और मैं आपको ये बता रही थी कि ये भी जो है करवा चौथ की तरह ही त्यौहार होता है। जैसे करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है ना, सेम उसी तरह इसका भी त्यौहार होता है। इसमें मतलब वही चांद निकलता है, 9:15 बजे तक निकलता है, 8:45 तक निकलता है। देख करके ही पानी पिया जाता है, चाय पिया जाता है, कुछ भी आप खा सकते हो। और 12 बजे के बाद से बिल्कुल मतलब निराजली रहा जाता है। तो अभी जस्ट मैं सुबह कपड़ा बदल के ही सबको खाना पीना बना दी थी जो है। और हमने कहा फिर जूठा मीठा क्यों छूना है ना, तो फिर सबको बना खिला के, बर्तन मांज के, कपड़े धुल के, सब बाहर डाली हूँ, डाल के बस नहा ली हूँ, नहा करके बस। और इतना ठंडा ठंडा पानी है ना, ये गाना है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, वो सचमुच बहुत ठंडा पानी है। और ये मेरे हस्बैंड क्रीचर लगाने के लिए कह रहे थे, फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, ठंड गरम कभी हमने कहा नहीं रहने दो, यही पानी ठीक है, फिर नहीं लगवाया। लेकिन हाँ, कल से कुछ हम लोगों की तरफ कुछ कुछ थोड़ा सा ठंडी कम है, लेकिन हवा बराबर उसी तरह ठंड गलन चल रही है, ठंडी ठंडी जो है। तो चलिए मैं घी लेकर के आती हूँ रूम से, कढ़ैया मैंने चढ़ा दिया है जो है। तो बस अभी मैं बस नहा के और हेयर वॉश कर ली हूँ जो है। तो बस अभी मैं पहले मूंगफली भूंजूंगी, मूंगफली भूंजने के बाद फिर मैं सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाऊंगी। और इसमें यही सब चीज़ें चढ़ाया जाता है, शकरकंद है, सिंघाड़े का आटा हलवा है, तिल है, और यही सब चीज़ का ये त्यौहार होता है जो है। तो ये मैं ला ली हूँ घी और अभी मैं भूंजूंगी मूंगफली। और मैं ना जैसे ही मतलब चांद निकलता है वैसे ही मैं किचन में आके सबसे पहले चाय चढ़ाती, पहले पानी पीती पी लेती हूँ और उसके बाद जो है चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि चाय ना मस्ट है। सर दर्द करता है, ऐसी हैबिट हो गई है चाय की कि बिना चाय के तो चलता ही नहीं है। तो ये किचन का है, कपड़ा तो कल मैंने धो दिया था, मैंने कहा ये जूठा रहता है, जैसे सब चीज़ पोछा वोछा जाता है, तो फिर मैंने इसको धो लिया था, वॉश कर लिया था, मैंने कहा आज काम देगा मुझे। तो बस यही सब बनाऊंगी, आटा का हलवा बना करके और उसको जमने के लिए रख दूंगी। और ये पहले मैं मूंगफली भूंज लेती हूँ। और आज सुबह से चाय नहीं पी और लग रहा है चाय कहाँ से मिल जाए, आज मेरा बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। सुबह सुबह पता है अपने बच्चों के लिए सुबह थोड़े से कटोरी में बना लिया, चलो बेटा तक आए चाय बनाई हो, मैंने कहा इसे तुम खुला लो पी लो, अगर मैं खुलाऊंगी तो मेरी भी इच्छा करेगी पीने की। ये चाय का नशा होता है, और किसको किसको होता है जरूर बताइएगा।
मुझे तो होता है, आज मैं चाय नहीं पी हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कहाँ से मुझे मिल जाए तो मैं चाय पी लूँ, इस तरीके से मुझे हो रहा है। तो चलिए मूंगफली भून लेते हैं, हम तैयारी कर लेते हैं पहले। और ये हमने डाल दिया है देसी घी में ये मूंगफली, और इसमें नमक खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नमक नहीं खाया जाता, इसमें सेंधा नमक खाया जाता है, तो खाऊंगी रात में। तो चलिए मूंगफली भूंज लेते हैं, और आप लोग भी, हमारी जो बहनें रहती होंगी वो भी सब तैयारी में जुटी होंगी, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। अभी भी देखिए मैं हेयर को वॉश की हूँ तो दुपट्टे से लपेट ली हूँ ताकि कहीं बाल वाल ना पड़े और सूख जाए। यहाँ ये देखिए मेरी मूंगफली जो है भून करके रेडी हो गई है, तो इसको मैं रख देती हूँ एक किनारे। और यहाँ मैंने सिंघाड़े के आटे को लिया है 4, तो क्या करूँगी अभी, तो अभी मैं गैस को जलाऊँगी, और मेरी कढ़ैया में लगा है नमक, तो फिर नमक को मैं पोंछ लूँगी, और क्या करूँगी नमक को हटा लूँगी, और कढ़ैया मेरा साफ ही है, तो बस। और यहाँ पे मैं डालूँगी देसी घी, और देसी घी से ही भूनूँगी मैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक चम्मच ये देसी घी। तो मैं पूजा के लिए घी वगैरह अक्सर अपना अलग रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है और मैं व्रत वगैरह रहती हूँ, तो फिर मैं अपना रख लेती हूँ अलग से ही, जूठा नहीं होता, खाने वाले अलग रख देती हूँ, क्योंकि उसमें सब बच्चे लोग भी अपना निकाल निकाल खाते रहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही सारा कुछ अलग करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये डाल दिया है, और ले लेती हूँ मैं पानी, क्योंकि काटा, और ये है 1/2 किलो तक का है। तो पहले मैं भी जो है सिंघाड़ा लाती थी, उसको धोती थी, सुखाती थी, कूटती थी, पीसती थी बड़ा, लेकिन अब क्या है इतना मेरे पास समय नहीं है ना इतना झंझट करने का मेरे पास, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी बहुत हो जाती हैं, खाना पीना बनाना खिलाना सब, इसलिए। और अब सब कुछ बाजार में खुद ही मिल जाता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतने पीसने की। और नवरात्र में भी हम लोग 9 दिन रहते हैं, तो आखिर सब आटा ही तो लाते हैं ना, पूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है जो खाई जाती है। माँ मेरी कह रही थी तुम 1 कप चाय पी लेना, तबीयत तुम्हारी थोड़ी सो ऐसी रहती, क्योंकि मुझे ठंडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस बार आप लोग के आशीर्वाद से मैं ठीक रही, स्वस्थ रही हूँ। और इस साल मैंने पूरी ठंडी अजवाइन का सेवन किया है, तो अजवाइन मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो गया है जो है। और रोज़ रात में बर्तन उर्तन धुलने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, अपने सरसों के तेल में मैंने अजवाइन लहसुन हींग सारा कुछ पका के रख लिया है, तो रात में जब भी मैं बर्तन उर्तन धो के फुर्सत होती हूँ तो पूरे अपने हाथों में, ऊपर के उसमें पैर के तलवों में, ऊपर उंगलियों में खूब अच्छे से लगाती हूँ। तो इस बार तो भगवान का आशीर्वाद रहा, और आप लोगों की भी जो है दुआ थी जो मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस साल, नहीं पिछले साल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं चलने फिरने नहीं पा रही थी, बैठ जाती थी तो जकड़ जाती थी, बहुत दिक्कत थी। और सिस्टर हम लेडीजों के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बनाना खिलाना ये सारे काम जो है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे घर में कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी सास मतलब बेड में रहती है, चल फिर बिल्कुल नहीं पाती है, वो बैठे बैठे खाना पीना, उनका नहाना धोना सब कुछ बेड में ही होता है, तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रहना पड़ता है जो है। और बीमार भी हो जाओ तो दवा खा के करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बस चलिए इसको हम भून लेते हैं,
तो वही कह रहे थे आपसे कि अपने आप को इसलिए हम लेडीजियों को स्वस्थ रखना पड़ता है। बाहर दरवाजा बंद कर ले, नहीं बंदर आ जाए। हम लोगों के यहाँ बंदर ना बहुत परेशान करते हैं, आ जाते हैं, घुस जाते हैं अंदर जो है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रखना पड़ता है जो है, क्योंकि घर के काम है करने पड़ते हैं, और बीमार भी हो जाओ तो भी दवा खा करके करना है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान, इसलिए मेरी मम्मी बोल रही थी कि तुम गुड़िया चाय पी लेना बना करके। मैंने कहा अभी देखते हैं, अभी तो मैं वह ले रही हूँ, नहीं रह पाऊंगी तब फिर देखूंगी, अभी तो नहीं, अभी तो मैं पी ना हूँ कुछ भी। ना भूख को कुछ भी नहीं लगती है, ना प्यास लगती है, बस ये क्या ना सर थोड़ा सा दर्द करने लगता है, क्योंकि चाय की आदत है इस वजह से। नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, भूख प्यास नहीं लगती बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर इसको बीच ढूंढ में मैं लेते आप हैं। थोड़ी सी नहीं बहुत वीडियो ना मस्ती बड़ी भी हो जाएगी, बोलूँगी, तो आप लोग भी इंजॉय करना वीडियो में। बताओ। अभी हम सवेरे से अब ही टाइम पाए हैं, सवेरे से खाना पीना बनावत खवावत रहे हैं, तो अब ही से टाइम पाए हैं, तो बस अभी हम जो है सिंघाड़े का आटा भून रहे हैं। मैं तो कहत रही हूँ कि मुझे जाने दो अपने मायके, पर सुनते ही नहीं आए कि सुने, ऐसे नहीं सुनाता ही कि हाँ भेज दे पे तो घर वाके कमवा कौन कर। बस यहाँ पर ही मेरा आटा भून गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी, और मैंने थोड़ा फॉरवर्ड मूड में लगा दिया था। और उसके बाद मैं बना रही थी गुड़ का हलवा, क्योंकि मेरे यहाँ चीनी का कोई नहीं खाता है। तो अब आ गई है जमाना, इसे थाली में रख देती हूँ जमने के लिए, फैला देती हूँ मैं ये इस तरह, ये देखिए इसी तरह इसको फैलाऊंगी, तो इसकी क्या है ना पीठी पीठी बन जाएंगी जो है ऐसे। और मैंने गुड़ का बनाया है, चीनी का नहीं बनाया, क्योंकि मेरे घर में चीनी कोई खाता ही नहीं है, तो गुड़ का ही बनाई हूँ। और गुड़ का ना सच में ना बहुत ही टेस्टी भी लगता है जो है। देखिए किसी का फोन आ रहा था तो कट गया, ये देखिए इसमें भी फैला देते हैं हम। और मोटा ही मोटा फैलाया जाता है। पहले मेरी मम्मी ना चीनी का बनाती थी, तो पहले तो थोड़ा सा ये था कि चलो ठीक है चल जाता था, लेकिन अभी क्या है ना गुड़ का ही लगा रहता है, हम तो गुड़ का ही बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना ससुराल में कोई चीनी का नहीं खाता है, तो मुझे गुड़ का ही बनाना पड़ता है। देखिए ऐसे इस सबको फैला देंगे, तो इसको छोड़ देंगे ना अपने आप ही ये जम जाएगा कतरा कतरा जो है। बस अभी हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, मैंने पूजा का सामान भी सब कुछ तैयार करके रख लिया है जो है, तो बस अब शाम की पूजा के टाइम है। पर शाम को शाम सोच रहे हैं जल्दी से खाना बना लेंगे, शाम का फुर्सत हो जाएंगे, गर्म है धरती नहीं बन रहा, तो सब पूछ लेते हैं, मुझे लगा है ना।
कढ़िया में भी बहुत लगा है, सबको निकाल लेते हैं हम। जी हो गया, अब इसको हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा चिकना देंगे, है ना। देखिए हमारा ये रेडी हो गया जमने के लिए। और अभी जब ये ठंडा होगा ना तो सारा जम जाएगा। और ये देखिए ये ट्रे में हमने फैला दिया, और एक ये थाली में गर्म बहुत है। तो चलिए ठीक है, मैं कढ़ैया हटा देते हैं, इसको पानी डाल देते हैं और इसको रख देते हैं सुरक्षित, क्योंकि हमारे यहाँ चूहा बहुत है, जरा सा मौका पाएंगे ना तो जूठा कर देंगे, और प्रसाद वगैरह इस तरह नहीं चढ़ाया जाता। तो इसको रख देते हैं सुरक्षित। अब मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग में, पूजा अगर टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो थोड़ी सी ज़रूर बनाऊँगी, फिर मिलते हूँ। और आप लोग भी तैयारी करिए, ठीक है।